हेलो गाइस, होप सो आप लोग सब लोग ठीक होंगे एंड मजे में होंगे। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो मैंने आपको सिंगल बोर्ड कंप्यूटर कुछ दिन पहले दिखाया था, MYIR Tech की तरफ से आने वाला ये सिंगल बोर्ड आपको कंप्यूटर दिखाया था जिसमें अडेप्टर इंक्लूडेड नहीं था एंड उस टाइम पे मैं उस वीडियो में कुछ चला के नहीं दिखा पाया था। तो आज मेरे पास एक जुगाड़ मुझे मिल गया अपने कैबिनेट में, एक ये मिला है एलिगेटर पिंस मिली है यहाँ पे, ये USB-A से एलिगेटर पिंस निकलती है एंड इसके मदद से मैं आज आपको ये एक SVC जो मैंने आपको दिखाया था कुछ दिनों पहले ये आपको चला के दिखा एंड इसकी स्क्रीन जो थी इसके साथ जो स्क्रीन आई थी वो भी इसके साथ मैं चला के दिखाऊंगा आज आपको इसी वीडियो में। तो चलो बिना किसी देर के जल्दी से वीडियो को शुरू, तो चलो जल्दी से मैं सारा सामान बाहर निकाल लेता हूं एंड सब कुछ निकाल के ये थी इसकी स्क्रीन एंड आई एम करेंटली यूजिंग माई एलिगेटर पिंस। यहाँ पे एलिगेटर पिंस यूज कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट इसमें ये वाला सॉकेट यूज नहीं करूंगा आज की वीडियो में, डायरेक्ट वही यूज करूंगा। तो इसको मैं निकालता नहीं हूँ, और साथ में ये निकाल लेता हूँ एंटीना केबल्स, बाकी रखते हैं साइड में एंड चलो ये निकालता हूँ स्क्रीन। जल्दी से स्क्रीन हो गई, इसके साथ जो स्क्रीन आई थी वो इसको रखते हैं साइड। स्क्रीन में मैं छोटी वाली केबल यूज करूंगा आज। सिंपली मैं पहले तो यहाँ पे देखो, मैंने यूजर मैनुअल में आपको दिखाया था कि ये 5 वोल्ट पे सपोर्ट करता है, तो यूजर मैनुअल ये रही, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट एट 3 एम्पीयर पे ये सपोर्ट करता है। तो 5 वोल्ट के लिए मैं यहाँ पे एक पावर बैंक यूज कर रहा हूँ, ये PD सपोर्ट करता है तो 5 वोल्ट एट 3 एम्पीयर आराम से दे देगा मुझे क्योंकि ये पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ रेड वन इज फॉर पॉजिटिव, आपको पता ही होगा, एंड ब्लैक वन इज फॉर नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव और पॉजिटिव देख लेता हूँ कौन सी नेगेटिव है और कौन सी काउंट है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ और यहाँ पे इन लिखा हुआ है, तो 5 वोल्ट बेसिकली यही वाला रहने वाला है। यहाँ से मैं इसको पॉजिटिव दे देता हूँ, एलिगेटर पिन को अंदर लगा देता हूँ लाइक ऐसे, तो ये परफेक्टली फिक्स फिट हो गया है। और ब्लैक वाले को भी मैं ऐसे ही इसमें राउंड में राउंड के बजाय उसमें यहाँ से फिक्स कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से सेट हो गया है। नेक्स्ट जो है इसकी डिस्प्ले सेट करनी है, डिस्प्ले सेट करने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ये वाली केबल। तो इस केबल को सिंपली यहाँ पे लगाना है, ब्लू वाली साइड को ऊपर रखना है एंड लाइक दिस इसको बंद कर लेना है। यही चीज अब यहाँ पे बेस में लगानी है लाइक दिस। मैं इस बोर्ड पे भी इसको, अब ये बोर्ड पे भी मैंने लगा दिया एंड इफ यू डोंट नो अबाउट द कोर, ये कोर कीचेन है, एक रियल इंटेल CPU है। अगर आपको एक खरीदना है तो 350 रुपीज में मैं अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको अपने इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पे आप मुझे वहाँ पे मैसेज करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को मैसेज करो एंड मैसेज करने के बाद आपको मैं इसकी वहाँ पे सारी मतलब डिटेल्स वगैरह भी दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। एंड अभी ये करेंगे 350 रुपीज इंक्लूडिंग डिलीवरी, फ्री डिलीवरी मैं इसमें अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। और देखो कोर किचन क्या क्या करता है, पीछे एक न्यूडेनियम मैग्नेट है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट्स को बोलते हैं, वो मैंने इसमें अटैच कर रखा है। इसको एज अ फ्रिज मैग्नेट आप इसको यूज कर सकते हो, एज अ कीचेन यूज कर सकते हो, एज अ बॉटल ओपनर यूज कर सकते हो, अगर आपको कोई पैकेट्स वगैरह खोलने हैं तो वो भी इसे खोल सकते हो। काफी यूजफुल थिंग है ये, और किचन काफी यूजफुल चीज है ये, तो इसको कंसिडर जरूर करना अपने लाइफ में, आपका एक अच्छा टेक कंपेनियन ये बन सकता है। तो इसको मैं रखता हूँ साइड में और जल्दी से सिस्टम ऑन करता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैं पावर बैंक में जल्दी से इसको पावर इन करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले ऑन हो चुकी है एंड डिस्प्ले लाइक उल्टी है, इसको उधर करना पड़ेगा मुझे सारा सामान। एंटीना इसका लगाना भूल गया था, जल्दी से एंटीना भी अटैच, यहाँ पे मैंने एंटीना भी अटैच कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले आ चुकी है, ये कुछ इसका इसका खुद का इनका जो प्री इंस्टॉल Yocto OS मैंने बताया था, Yocto OS वाला ये प्री इंस्टॉल्ड है। साइड करता हूँ आपको सेंटर से चीजें, ये देख सकते हो ये कुछ अभी ये चाइनीज में, इसको मैं इंग्लिश में, इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है तो टच स्क्रीन रहने वाला है सारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंग्लिश में शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीमीडिया का ऑप्शन है, सिस्टम का ऑप्शन है, यहाँ पे एप्लीकेशंस का ऑप्शन है, यहाँ पे हेल्थ केयर का ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था ना ये एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह में यूज होते हैं ऐसे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक सर्विसेज वगैरह जैसे ATMs हो गया, ATMs में यूज होते हैं ऐसे कंप्यूटर्स, तो ये वो वाले कंप्यूटर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होते हैं। लाइक अगर आपकी कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो उसमें ये सब चीज आप यूज कर सकते हो, इनके प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर वगैरह भी रहते हैं। लाइक जैसे मैं देखो हेल्थ केयर सर्विसेज में जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा जो आप हेल्थ केयर में आप देखते हो ना कि ECG होता है एंड BP वगैरह, वो सब आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें GPIO पिंस जो है उसमें आप उसमें अपने मॉड्यूल्स वगैरह लगाओ और एंड यहाँ से आप उसमें रीडिंग्स वगैरह ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑफ कोर्स ये अभी करंटली एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं है, ये सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए है,
जैसे आपने लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह में देखे होंगे काफी सारे डिवाइसेस लगे रहते हैं, उन सब में ऐसे ही सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स यूज होते हैं, मतलब उन्हीं को एक एम्बेडेड प्रोजेक्ट वगैरह एम्बेडेड सिस्टम्स बोलते हैं। लाइक अभी मैं जैसे जाकर बैंक जाता हूँ एंड लाइक देखो यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज में जाता हूँ, पब्लिक सर्विसेज में आप देख सकते हो यहाँ पे एटीएम वाला इंटरफेस आ गया, एटीएम का इंटरफेस हो गया, या फिर देखो आप जैसे टिकट वेंडिंग मशीन आपने देखी होगी, टिकट वेंडिंग मशीन में जैसे आप यहाँ पे अपना डेस्टिनेशन यहाँ पे आपने फीड किया एंड यहाँ पे चेक किया, लाइक अभी तो देखो इसमें कुछ है नहीं, ये सिर्फ डेमो पर्पज के लिए, तो आपने चेक किया एंड ऐसी टच स्क्रीन डिस्प्ले लगी रहती है, तो आपने अपना डेस्टिनेशन डाला, टिकट निकालनी आपको, डेस्टिनेशन डाल के आपने टिकट निकाली, टिकट वेंडिंग मशीन देखी होगी आपने, आपने लाइक वो वेंडिंग मशीन देखी होगी जिसमें से चिप्स वगैरह निकलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह निकलती है, तो वो वाला इंटरफेस वगैरह भी आप इसमें सेट कर सकते हो। यही ऐसे ही सिंगल बोर्ड कंप्यूटर जो चीप सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स होते हैं वो ऐसी जगह पर यूज होते हैं एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स वगैरह में। जल्दी से मैं बैक चले जाता हूँ। आपने आजकल देखी होगी SBI में मशीन आ गई है वो पासबुक प्रिंटिंग वाली, तो पासबुक प्रिंटिंग वो में वो लोग बड़ा कोई सिस्टम नहीं लगाते हैं, जैसे बहुत सारे आजकल वो विंडोज पीसीज आते बड़े बड़े वो सब पीसीज नहीं लगाते हैं, आजकल ऐसे ही पीसीज लगाते हैं एंड उसी से वो पासबुक प्रिंटिंग वगैरह पॉसिबल हो पाती है। यहाँ पे मल्टीमीडिया का ऑप्शन है, मल्टीमीडिया के ऑप्शन नीचे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे म्यूजिक वीडियो वगैरह यहाँ पे सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे ये कुछ ये सारे ऑप्शंस वगैरह मिलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन हेल्थ केयर मीडिया सिस्टम, एक यहाँ पे एप्लीकेशन वाला सिस्टम है, मतलब एप्लीकेशन वाला यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक स्मार्ट वॉशिंग मशीन का इन्होंने डेमो यहाँ पे डाल रखा है, तो स्मार्ट वॉशिंग मशीन हो गई, स्मार्ट लाइक स्मार्ट चीजें मतलब लाइक स्मार्ट होम हो गया, ये सब इन सब चीजों में ही ऐसे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स वगैरह ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं, तो यहाँ पे सब लाइक एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं ना, तो वो लोग यहीं पे मतलब इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं ये MBI या टेक वाले, तो लाइक कोई आपका प्रोजेक्ट हो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, होम मतलब पब्लिक सर्विस से रिलेटेड हो, कोई टिकट वेंडिंग मशीन हो, जूस वेंडिंग मशीन हो, ये सब मशीन हो, मल्टीमीडिया हो, लाइक आपको होल्डिंग्स करनी है, वहाँ पे डिस्प्ले शो करनी है, कोई ऐड चलाना है, वो वाली हो गई एंड सिस्टम तो ये वाली सिस्टम है, एप्लीकेशन स्मार्ट ड्रायर बनाना हो, वॉशिंग मशीन बनाना हो, स्मार्ट टीवी बनाना हो, ये सब बनाना हो, सो वो सब चीजों में ही ऐसे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स वगैरह यूज होते हैं बेसिकली। तो आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक, आज की वीडियो में मैंने कवर किया आपको कि ये जो MBI टेक का 8 MMQ करके जो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है ये कैसा मतलब मैंने मतलब जुगाड़ करके अभी चला के दिखाया आपको आज की वीडियो में, तो ये कुछ इनका OctoUS वगैरह इसमें मतलब प्री इंस्टॉल हो जाता है एंड Ubuntu भी सपोर्ट करता है, तो Ubuntu की वीडियो आगे मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ला दूँ, इसमें इंस्टॉल करूँगा एंड इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चलो अगले किसी मजेदार से वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।